हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू मॉडर्न पेरेंटिंग। दिस इज सोनाली राडिया, योर पेरेंटिंग फ्रेंड। दोस्तों, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट करना चाहते हैं। वो हर ट्राई ऐसी करते हैं कि वो बच्चों की लाइफ को कैसे सुधार पाए। कई सारे पेरेंट्स आज ऐसे हैं जो बच्चों की हेल्थ के बारे में भी सोचने लगे हैं, एंड दिस इज़ रियली अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि आजकल भारत में बच्चों के अंदर कई सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी, अनेमिया, माल न्यूट्रिशन, हॉर्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर तेज़ी से बढ़ रही है, एंड दिस इज़ रियली अलार्मिंग। क्योंकि अगर हम अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो आज के बच्चों की हेल्थ के ऊपर हमें फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसके बारे में सर्व भी करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि बच्चों की हेल्थ को कैसे सुधार पाए। आज इसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक है। आज से मैं मॉडर्न पेरेंटिंग के ऊपर थोड़े से ऐसे वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ जो आपको अपने बच्चों की हेल्थ को सुधारने में ज़रूर काम आएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों, सुबह उठते ही जब हम अखबार पढ़ते हैं, या तो फिर हम टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, या सोशल मीडिया पर फीड्स देखते हैं, तो हमें कई सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती है जो बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड होती है। जैसे कि ये खाने से बच्चों की हाइट बढ़ जाएगी, ये खाने से बच्चों की मेमोरी शार्प हो जाएगी, ये दूध में मिलाने से उनके बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या तो उनको सारे विटामिन्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे आसपास हम हर रोज़ देखते हैं। लेकिन हम सबको पता है दोस्तों कि क्या कभी फेयर एंड लवली लगाने से हमारे स्किन के कलर में कोई चेंज आया है? द आंसर इज़ अ स्ट्रेट नो। आज के टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और वो हेल्थ इंडस्ट्री है जो आज पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टारगेट कर रही है, क्योंकि वो पेरेंट्स की इनसिक्योरिटीज़ को जान गई है। हेल्थ इंडस्ट्री को ये पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सब कुछ बेस्ट करेंगे, और इसीलिए वो हमें सब कुछ फीड करते रहते हैं। आज इसी से रिलेटेड मेरा टॉपिक है। मैं कई सारी चीज़ें पढ़ती हूँ हेल्थ के रिलेटेड, बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड, और मैं कई सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनके बारे में भी पढ़ती हूँ, उनके वीडियोस भी देखती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर 3 या 4 ही ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिसके ऊपर हम सही में रिलाई कर सकते हैं, और उनमें से जो मेरे फेवरेट है वो है रुजुता दिवेकर। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो एक ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट है जो बहुत ही बेसिक तरीके की बातें करते हैं, और बहुत ही बेसिक तरीके से वो हमें बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देते हैं। शी हैज़ रिटन नंबर ऑफ बुक्स। उन्होंने कई सारी ऐसी बुक्स लिखी है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स है। लेकिन उनका जो एक काम है, उनकी जो एक बुक है जो है नोट्स फॉर हेल्दी किड्स, वो जो बुक है वो मेरी फेवरेट है। मैं अपनी बच्ची के लिए ये मानती हूँ कि मैं वही बुक फॉलो करने वाली हूँ, और आज भी मैं वही बुक फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को हमें ऐसी हेल्थ टिप्स देनी चाहिए, हमें ऐसी फूड हैबिट्स उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए जो उनके लाइफ टाइम उनको काम आ सकती है, और सही में वो उनके हेल्थ को भी असर कर सकती है। आज मैं उस बुक का रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वो बुक भी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड दैट इज़ नोट्स फॉर हेल्दी किड्स। दिस बुक इज़ इमेंस बुक फॉर चिल्ड्रन। I personally recommend all the parents कि अगर आप सही में बच्चों की हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। दिस इज़ रियली वर्थ। वैसे तो मैं कुछ रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये बुक मैंने रीड की है और इसको मैं फॉलो भी करती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के हर पेरेंट्स को ये एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कई सारे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमें कई सारे अलग अलग डाइट प्लान्स देते हैं, अलग अलग तरीके की रेसिपी सिखाते हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हम इंडिया में रह रहे हैं, और इंडिया के टेम्परेचर, इंडिया की जो सॉइल है उसका नेचर, ये सारा कुछ अफेक्ट करता है हमारे ईटिंग हैबिट्स में। ये चीज़ इस बुक में दी है, और इसीलिए ये मेरी फेवरेट है। ये जो बुक है ये बहुत ही सिंपल है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू।
ये बुक 0 से लेकर जो 15 साल के बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और पेरेंट्स के लिए तो है ही। इस बुक के अंदर एज वाइज ऐसे नोट्स दिए गए हैं, ऐसे न्यूट्रिशन के नोट्स दिए गए हैं जो आपको एज वाइज पता चलेगा कि कौन सी एज में आप अपने बच्चों के लिए क्या फॉलो कर सकते हो। इस बुक में ये दिया गया है कि अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उनके टिफ़िन में आप क्या डाल सकते हो। इस बुक में ये दिया गया है कि आप अपने बच्चों को वेकेशंस में क्या खिला सकते हो, उनके बर्थडेज के ऊपर क्या ऑफ़र कर सकते हो। आप जब भी इंडिया से बाहर जा रहे हो तब आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो, उनके एग्जामिनेशंस होते हैं तब आप क्या उनको ऑफ़र कर सकते हो। तो ओकेजन वाइज यू आर गिवन आइडियाज़ ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड अकॉर्डिंग टू एज यू कैन प्लान द मील्स ऑफ योर चिल्ड्रन। हेल्थ से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ इसीलिए बच्चों के फूड हैबिट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे अगले वीडियोज़ में तो मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो डिटेल में समझाने वाली हूँ, लेकिन आज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों के फूड हैबिट्स को ऐसे डेवलप करो कि वो उनके साथ पूरी लाइफ टाइम रह सके। ऐसे डाइट्स आप उनको इंट्रोड्यूस करो जो उनको सही में उनकी ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन कर पाए, क्योंकि आज के बच्चे जो है वो फैंसी फूड से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। ऐसे कई सारे जंक फूड्स हैं जो बच्चों को नहीं खाने चाहिए, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री इज़ प्रोवाइडिंग एंड चिल्ड्रन आर ईटिंग। सो द पॉइंट इज़ दैट पेरेंट्स हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस। तो ये जो बुक है ये हमें सारे जो मिथ्स है, अगर बच्चों को दूध नहीं पीना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस क्या है। फिर कई सारे बच्चे फजी ईटर्स होते हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं खाना खाने में, या तो उनको कुछ पसंद ही नहीं आता है, ऐसे फजी ईटर्स होते हैं, तो उनके लिए भी इसमें जो है इस बुक के अंदर थोड़े से गाइडलाइंस दिए गए हैं। और कई सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपको कोई आपके बच्चों को कोई माइनर प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को आप नेचुरली आयुर्वेदिकली आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हो। फिर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उस केस में आप अपने बच्चों के साथ कैसे डील कर सकते हो खाने पीने की चीज़ों में। एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस बुक। आगे जाकर जब टीनेज में आएंगे बच्चे तो उनको हार्मोन से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज होंगे, तो उस टाइम पर आप उनको क्या ऑफ़र कर सकते हो, इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट में क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या 3 चीज़ें बच्चों को इस एज में देनी चाहिए 0 to 5 years में, या कौन सी 3 चीज़ें ऐसी है जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए, टू द पॉइंट सारा कुछ इस बुक में दिया गया है। सो आई टेल ऑल माई व्यूअर्स टू रिफर दिस बुक फॉर वंस इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर चिल्ड्रन। देन इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो लिंक इज़ देयर इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप नहीं रीड करना चाहते हो, अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो इस बुक को, तो कोई बात नहीं, मेरे अगले जो वीडियोज़ होंगे उसमें आपको इस बुक की थोड़ी सी झलक तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट है इसीलिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay healthy, stay happy, happy parenting. Bye-bye, thank you.